हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में मेज़रमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन के बारे में तो अब आज हम लोग इसमें जो है अलग अलग मेथड्स कौन कौन से मेज़रमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं Uh, यहाँ पे मैं बता दूँ शॉर्ट में आपको कि सरफेस और इंटरफेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में कि क्या डिफरेंस होता है मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ सरफेस इज़ अ बाउंड्री बिटवीन अ सॉलिड लिक्विड एंड एयर और वैक्यूम वेयर एज इंटरफेस इज़ दी बाउंड्री बिटवीन टू और मोर डिस्टिंक्ट फेजेज एग्जिस्ट टुगेदर मतलब जो सरफेस होता है वो किसी एक फेज जैसे कि या तो लिक्विड हो एक फेज़ और दूसरा फेज एयर या वेपर या फिर एक फेज सॉलिड हो दूसरा एयर या वेपर तो यहाँ पर जो सॉलिड या लिक्विड का जो ऊपर की जो सतह है उसी को हम सरफेस कहते हैं और इंटरफेस वो होता है जब दो इमिजिबल लिक्विड्स मतलब दो एक दूसरे में न मिलने वाले लिक्विड जैसे एक ऑयल हो और दूसरा वाटर हो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते हैं तो दोनों के बीच में एक सेपरेशन की लेयर दिखाई देती है उसी लेयर को उसी बाउंड्री को हम कहते हैं इंटरफेस तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज डिटेल में मेज़रमेंट uh, के कौन कौन से मेथड्स होते हैं सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनमें जो मेन मेथड्स हैं वो हैं कैपिलरी राइज मेथड इसके बाद है मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड ड्रॉप मेथड, विल्मी प्लेट मेथड, रिंग डिटैचमेंट मेथड और इसको टेंसियोमीटर की सहायता से किया जाता है तो इनको डिस्कस करते हैं वन बाई वन सबसे पहले हम देखते हैं कैपिलरी राइज मेथड। कैपिलरीज आप लोगों ने देखी होगी लैब में तो कैपिलरी एक्शन ही यहाँ पर होता है यहाँ पर क्या होता है ये पूरा का ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यहाँ से आप देखिए ये जो बीकर है यहाँ पर इसमें बीकर या कंटेनर इसमें आप देख रहे हैं इसमें लिक्विड भरा हुआ है सपोज पानी है वाटर है और हमने यहाँ पर कैपिलरी सेटअप कर रखी है स्टैंड के माध्यम से लगाई हुई है तो जैसे हम इसमें डिप करेंगे तो वैसे ही पानी जो है वो यहाँ इस कैपिलरी में ऊपर की तरफ जो है वो राइज करेगा ऊपर की तरफ चढ़ेगा पानी ये होता है जो है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से या सरफेस टेंशन की वजह से अब इसको हम देखते हैं करते कैसे हैं इसका मेजरमेंट तो कैपिलरी राइज अकर्स बिकॉज ऑफ अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से क्या होता है कैपिलरी राइज होता है कैपिलरी राइज मतलब जो लिक्विड है वो कैपिलरी में ऊपर की तरफ चढ़ता है अपवर्ड मूवमेंट स्टॉप्स व्हेन दिस फोर्स इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द कैपिलरी कॉलम अब जो ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होता है वो तब तक होता है जब तक कि जो फोर्स है वो काउंटर बैलेंस ना हो जाए मतलब इक्वल ना हो जाए बराबर ना हो जाए जब जो फोर्स नीचे की तरफ जो है लग रहा है कैपिलरी कॉलम की वजह से तो दोनों एक दूसरे के जो है तब तक अपवर्ड मूवमेंट होता है लिक्विड ऊपर तब तक चढ़ता है जब तक कि नीचे से जो फोर्स लग रहे हैं वो उसके इक्वल ना हो जाए सर्फिस टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कम ऑफ कैपिलरी ट्यूब जो सर्फिस टेंशन होता है किसी भी पॉइंट पे वो कैपिलरी ट्यूब के सरकम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको गामा कॉस्थीटा से हम डिनोट करते हैं टोटल अपवर्ड फोर्स जो होगा वो होगा टू पाई आर गामा कॉस्थीटा काउंटर बैलेंसिंग फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ कॉलम यहाँ पर जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो माइनस रो ज़ीरो इंटू जी प्लस डब्ल्यू यहाँ पर जो रो है वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और रो जीरो जो है वो डेंसिटी ऑफ वेपर जबकि यहाँ पर जो स्मॉल डब्ल्यू है यूं कहें W है वो है वेट ऑफ लिक्विड एब मिनिस्कस मिनिस्कस ये होता है यहां पर आप कैपिलरी की तरफ देखें ये घुमावदार जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं मिनिस्कस अब हम लोग आगे बात करते हैं यहां पर कि जो W इज वेरी नेग्लिजेबल वेन कंपेयर्ड टू वेट ऑफ कॉलम जो W है वो बहुत कम हो जाता है या बहुत कम होता है अगर हम उसकी तुलना करें वेट ऑफ कॉलम कॉलम के वेट से देअर फॉर डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ कॉलम तो जो डाउनवर्ड फोर्स होगा कॉलम की वजह से वो होगा पाई स्क्वायर रो एट इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स जैसा कि हमने अभी पिछले अभी आपको इसमें बताया था डायग्राम के माध्यम से कि जो अपवर्ड फोर्स है वो इक्वल हो जाता है डाउनवर्ड फोर्स के तो जो है ऊपर जो है राइज होना जो लिक्विड का ऊपर चढ़ना कैपिलरी में वो रुक जाता है तो अब यहाँ पर हम इक्वेशन से देखते हैं तो हो जाएगी इक्वेशन टू पाई आर गामा कॉस्थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी अब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो गामा इज इक्वल टू आर एच रो जी अपॉन टू कॉस्थीटा तो इन केस ऑफ वाटर थीटा जो है वो जीरो हम यहाँ पर लेते हैं और कॉस्थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर वन है तो इक्वेशन जो हमारी बन जाएगी वो ये बन जाएगी गामा इज इक्वल टू वन अपॉन टू रो एच आर एच रो इंटू जी तो ये फाइनल इक्वेशन आएगी तो ये हमें प्रिकॉशंस इस मेथड जो मेज़रमेंट के दौरान हमें ये प्रिकॉशंस लेनी होते हैं जब हम कैपिलरी राइज मेथड को इस्तेमाल करते हैं मेज़र करने के लिए सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन को पहली चीज़ तो आउटर वेसल शुड हैव लार्जर डायमीटर एक तो जो बाहरी जो वेसल है वेसल का मतलब जो कंटेनर हमने लिया है उसका डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए कैपिलरी ट्यूब शुड हैव यूनिफॉर्म डायमीटर थ्रू आउट इट्स लेंथ और जो कैपिलरी हमने ली वो यूनिफॉर्म हो उसका जो डायामीटर है वो पूरे में यूनिफॉर्म हो टेढ़ी मेढ़ी कैपिलरी ना हो कहीं पर भी हाइट ऑफ दी कॉलम शुड मेजर एक्यूरेटली जो कॉलम की हाइट है वो एक्यूरेटली मेजर की गई हो टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन यूनिफॉर्म हमें यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रखना है एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर जो भी हम अचीव यहाँ पे अटेंड करें और बेटर टू अलाउ मिनिस्कर्स टू फॉल डाउन देन अलाउ टू राइज तो यहाँ पर जो मिनिस्कस है उसको हम ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम उसको नीचे की तरफ जो है जाने दें और फिर जो है उसको राइज होने दें अब बात करते हैं दूसरे मेथड की वो है मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखिए डायग्राम में यहाँ पर ऊपर मरकरी रिजर्वायर है और उससे अटैच्ड जो है यहाँ पर दो कैपिलरी ट्यूब हैं एक है वाइडर कैपिलरी ट्यूब दूसरा है नैरो कैपिलरी ट्यूब मतलब एक एक तरफ की जो आप कैपिलरी देख रहे हैं वो चौड़ा उसका जो है वो सरकम है वो चौड़ी है और इस तरफ जब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो वहाँ पर पतली कैपिलरी आपको देखने को मिल रही है तो ये जो है यहाँ पर नीचे की तरफ एक मेनोमीटर अटैच्ड है और यहाँ पर नीचे जो है वो इसमें बॉटम में एक लिक्विड भरा हुआ है तो आप समझते हैं इसको जो है किस तरीके से ये प्रोसेस होता है ये मेथड हम कैसे जो है यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए मरकरी इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू ईच कैपिलरी ऊपर से जो रिज़र्वर है वहाँ से मरकरी जो है वो हम नीचे की तरफ जो है यहाँ पर स्क्रू जो लगे हुए हैं उनको ओपन कर देते हैं और नीचे की तरफ जो है अलाउड टू फॉल मतलब मरकरी नीचे की तरफ हम यहाँ से खोल देते हैं तो अब कैपिलरीज में वो मरकरी जाएगी दोनों कैपिलरीज में तो डिफरेंस इन प्रेशर व्हेन बबल्स फॉर्म इन वाइडर एंड नैरो कैपिलरीज नोटेड तो दोनों में अब यहाँ पर एक चौड़ी कैपिलरी एक पतली कैपिलरी तो दोनों में प्रेशर डिफरेंस होगा जब बबल फॉर्म होंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों कैपिलरीज में जो है वो प्रेशर डिफरेंस हम यहां पर नोट कर लेंगे व्हेन रेडियस ऑफ कैपिलरी इज़ लेस देन 0.01 सेंटीमीटर यहाँ पर जो आर वन है वो है रेडियस पतली कैपिलरी की जिसकी रेडियस अराउंड होगी जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर और जो चौड़ी वाली जो कैपिलरी है उसकी जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर जिसे हम आर टू से डिनोट कर रहे हैं तो सरफेस टेंशन की इक्वेशन ये हो जाएगी गामा इज इक्वल टू ए इंटू पी ब्रैकेट वन प्लस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन आर स्क्वायर जी इंटू डी तो जो कैपिटल ए है वो है इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट डी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड पी है डिफरेंस इन प्रेशर अब बात करते हैं यहां पर ड्रॉप मेथड ड्रॉप मेथड की ये जो नेक्स्ट मेथड मेथड है तीसरा व्हेन अ लिक्विड अलाउड टू फ्लो थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब इट फॉर्म्स अ ड्रॉप एट द टिप ऑफ द ट्यूब जब हम किसी ट्यूब से जो है कोई लिक्विड फ्लो कराते हैं तो नीचे उसके जो बॉटम में या फिर यूं कहिए कि उसकी जो टिप है जो नोक है वहां से कुछ इस तरीके से पहला ये डायग्राम देखिए जहाँ से ड्रॉप जो है गिरना स्टार्ट हो रही है यहाँ से ड्रॉप फॉर्म हुई नीचे की तरफ आना शुरू हुई तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर शेप लेती है फिर थोड़ा सा वहाँ से और जब हम छोड़ते हैं लिक्विड को तो फिर थोड़ा इस तरीके से शेप ऐसे ऐसे करते हुए ये अल्टीमेटली लास्ट में ड्रॉप पूरी तरीके से डिटैच हो जाती है मतलब वहाँ से एक पूरी ड्रॉप निकल जाती है तो यहाँ पर क्या होता है इट इनक्रीजेज इन साइज एंड डिटैच फ्रॉम दी टिप तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है वो बनती है डब्ल्यू इज इकल टू टू पाई आर गामा और अगर हम इसको रीअरेंज करें तो गामा इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर अब यहाँ पर यूज होता है स्टेलैगमोमीटर यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में ये ये वाला डायग्राम देखिए स्टेलैगमोमीटर इस है इसमें दो मार्क होते हैं ऊपर एक मार्क होता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं दूसरा एक मार्क होता है वहाँ पर बी तो अब इसका कैसे प्रोसीजर होता है कैसे हम इसको जो है करते हैं इस ए, इस इसके थ्रू मेजरमेंट वो देख लीजिए इसमें ड्रॉप मेथड में दो मेथड इस्तेमाल होते हैं एक तो ड्रॉप वेट मेथड और दूसरा होता है ड्रॉप ड्रॉप काउंट मेथड मेथड तो वेट में क्या होता है सबसे पहले हम शक करते हैं लिक्विड को अप टू द मार्क ए मतलब हम खींचते हैं जो है वो ए मार्क तक लिक्विड को यहाँ स्लग् में देखिए ए मार्क ऊपर बना हुआ है यहां हम ऊपर की तरफ जो है लिक्विड को खींचते हैं जब तक कि वो ए मार्क तक ना पहुंच जाए फिर अलाउ liquid लिक्विड टू ड्रॉप फ्रॉम टिप ऑफ द्लग्मोमीटर अब हम क्या करते हैं कि लिक्विड को जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप होने देते हैं आप छोड़ते हैं धीरे धीरे फिर कलेक्ट करते हैं 20 से 30 ड्रॉप्स एंड फाइंड आउट द वेट और हम उनका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं तो फाइंड एवरेज वेट ऑफ ड्रॉप्स हम इस कैलकुलेशन या फिर इस इक्वेशन की मदद से जो है वो हम एवरेज वेट निकाल सकते हैं ड्रॉप्स का गा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर तो जनरली रिलेटिव सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज फाउंड आउट बाय दिस इक्वेशन गामा वन अपॉन गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू अब बात करते हैं ड्रॉप काउंट मेथड की तो यहाँ पर जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें ड्रॉप जो है वो काउंट करनी होती है इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं सरफेस टेंशन को तो शक इसमें क्या करते हैं शक द लिक्विड अप टू द मार्क ए इसमें भी हम मार्क ए तक शक करते हैं लिक्विड को अलाउ द लिक्विड टू ड्रॉप फ्रॉम द टिप ऑफ स्टलगमोमीटर स्टमोमीटर की जो टिप है जो नोक है नीचे उससे हम जो है ड्रॉप कराते हैं उस लिक्विड को और काउंट करते हैं नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म्ड टिल द लिक्विड रीच मार्क बी जब तक ए मार्क से यहाँ देखिए डायग्राम जब ये ए मार्क है यहाँ से हम लिक्विड को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं तो ए मार्क से जब तक वो बी मार्क तक ना पहुंच जाए लिक्विड जो है नीचे उतरते उतरते बी मार्क तक आ जाए तब तक हम इसको करते हैं और उस बीच में जितनी भी ड्रॉप्स फॉर्म होती हैं उसको हम क्या करते हैं काउंट कर लेते हैं काउंट दी नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स फॉर्म्ड टिल दी लिक्विड रीच मार्क बी और कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन से गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू पाई आर एन तो यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो वेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स है डी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो जनरली रिलेटिव सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज फाउंड आउट ये उसकी इक्वेशन बनेगी गामा वन अपॉन गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू तो डी वन एन डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू एन वन अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं इस मेथड को इस्तेमाल करते समय टिप ऑफ पिपेट शुड हैव नो इम्परफेक्शन इन द आउटर सरकमफेरेंस मतलब जो नोक है पिपेट की वो टूटी हुई ना हो ये चेक कर लें सरकम उसका एकदम प्रॉपर हो और ड्रॉप शुड बी फॉर्म स्लोली ड्रॉप जो है वो धीरे धीरे फॉर्म होनी चाहिए अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी ड्रॉप शुड बी कलेक्टेड टू फाइंड द एवरेज वेट बीस से तीस ड्रॉप हम कलेक्ट कर लेते हैं एवरेज वेट निकालने के लिए और टेम्परेचर शुड बी मेनटेन कांस्टेंट अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मेथड की वो है विल्मी प्लेट मेथड तो विल्मी प्लेट मेथड में क्या होता है यहाँ पर चलिए पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर समझ लेते हैं इसमें क्या होता है कंसिस्ट ऑफ अ प्लेट मेड अप ऑफ प्लेटिनम प्लेटिनम की बनी हुई एक जो है इसमें प्लेट होती है जिसे हम सस्पेंड करते हैं वर्टिकली वर्टिकली मतलब ऐसे लंबवत आकार में खड़े हुए में तो वर्टिकली फ्रॉम अ बीम अटैच्ड टू अ टॉर्जन बैलेंस और जो कि अटैच रहता है टॉर्जन बैलेंस से अब लिक्विड इज टेकन इन अ डिश एंड अंटिल इट जस्ट टचेज बॉटम ऑफ प्लेट। तो लिक्विड जो है वो एक डिश में ले लिया जाता है और रेज्ड अंटिल इट जस्ट टचेज बॉटम ऑफ द प्लेट मतलब जब तक कि वो टच ना कर दे प्लेट की बॉटम को अब वेन प्लेट टच दर्फेस दर्फेस फोर्स विल ड्रैग प्लेट डाउनवर्ड रोटेट and वायर एंड मेजर required टू ब्रिंग बैक द प्लेट टू फॉर्मर पोजिशन मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि नीचे की तरफ इस प्लेट को जो है वो सस्पेंड कराते हैं उस लिक्विड में नीचे की तरफ छोड़ते हैं धीरे धीरे और फिर जो है उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं फिर देखते हैं कि उसको निकालने में वो लिक्विड जो है वो उससे डिटैच होने में या उसको छोड़ने में जो फोर्सेज हैं वो कितना लग रहे हैं तो कितना टेंशन जनरेट हो रहा है सर्फिस टेंशन तो यहाँ पर हम फोर्स मेजर्ड इन टॉर्जन बैलेंस विल बी इक्वल टू दी अब जो फोर्स जनरेट होता है टॉर्जन uh, बैलेंस में जो फोर्स मेजर किया जाता है इन टॉर्जन बैलेंस विल बी इक्वल टू दी सरफेस टेंशन अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेट तो जो पेरीमीटर है प्लेट का उसके चारों तरफ तो जो सरफेस टेंशन जनरेट हो रही होती है वो उसके इक्वल होती है बराबर होती है तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय L प्लस टी इन गामा अपॉन W और गामा इज इक्वल टू टू एल प्लस टी तो यहाँ पर हम जो है इस तरीके से मेजर कर सकते हैं अब बात करते हैं रिंग डिटैचमेंट मेथड की तो रिंग डिटैचमेंट मेथड में ये कुछ डायग्राम है इस तरीके का आप देख सकते हैं टॉर्जन बैलेंस और ड्यूनो बैलेंस इसको ड्यूनो बैलेंस या ड्यूनो मेथड भी कहते हैं कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम रिंग ऑफ अराउंड फोर सेंटीमीटर इसमें भी एक प्लेटिनम रिंग होती है लगभग चार सेंटीमीटर इन सस्पेंडेड ऑन अ टॉर्जन वायर अटैच टू स्केल तो टॉर्जन वायर पर ये सस्पेंड रहती है और ये अटैच रहती है एक स्केल से लिक्विड इज टेकन इन अ पैन लिक्विड एक पैन में लिया जाता है और पिछले वाले डायग्राम में हम एक कंटेनर में या एक वेसल में लिक्विड ले रहे थे uh, इस इसमें हम जो है यहाँ पर आप गोल गोल ये जो प्लेट की तरह जो पैन है उसमें हम लिक्विड लेते हैं और यहाँ पर लिक्विड इज टेकन इन अ पैन एंड पोजिशन ऑफ पैन इज एडजस्टेड सो दैट द रिंग जस्ट टच इज़ लिक्विड वहाँ पर हम प्लेट यूज कर रहे थे और यहाँ पर हम रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस सेम है लगभग बस वहाँ पे असेंबली थोड़ा सा डिफरेंट थी ये दूसरा है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है तो टॉर्जन वायर इज रोटेटेड टॉर्जन वायर को रोटेट किया जाता है टिल द रिंग जस्ट डिटैच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड जैसे वो लिक्विड से जैसे ही वो रिंग हटती है डिटैच होती है तो जब तक इसको टॉर्जन वायर को रोटेट किया जाता है फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच द रिंग फ्रॉम द सर्फेस इज ऑपटेंट फ्रॉम द स्केल अब जो फोर्स लगता है हमें उस रिंग को उस लिक्विड से बाहर निकालने में उसी को जो है वो हम वहां से मेजर कर लेते हैं जो स्केल लगी होती है इस असेंबली में फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन तो जो फोर्स लग रहा है जो फोर्स जनरेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन के तो इस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं इस मेथड से ये क्वेश्चन है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके थ्रू पी इज इक्वल टू टू पाई आर वन प्लस आर टू गामा गामा यहाँ पर सरफेस टेंशन है गामा इज इक्वल टू ये रिफॉर्म हम करेंगे रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी गामा इज इक्वल टू पी अपॉन टू पाई इंटू आर वन प्लस आर टू जहाँ पर आर वन और आर टू जो है वो इनर एंड आउटर रेडियस है रिंग की और फोर थिन रिंग्स आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर ये जो है आर के इक्वल होती है तो गामा इज इक्वल टू पी अपॉन फोर पाई आर ये फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी तो इस मेथड को इस्तेमाल करते समय हमें ये सावधानियाँ बरतनी है प्रिकॉशंस लेने हैं द रिंग शुड लाई इन फ्लैट प्लेन एक तो जो फ्लैट प्लेन मतलब जो हमने वहाँ पे पैन लिया उसका फ्लैट प्लेन हो वहाँ पर हमें रिंग जो है लाई करानी होती है रिंग जो है वहाँ पर उतारनी होती है उस लिक्विड में द प्लेन ऑफ द रिंग मस्ट बी हॉरीजोंटल जो प्लेन हो रिंग का वो हॉरीजोंटल हो वेसल कंटेनिंग लिक्विड शुड हैव वाइडर डायामीटर वेसल में लिक्विड रखा गया है भरा गया है उसका डायमीटर ज्यादा हो उस रिंग से और टेम्परेचर मस्ट बी कैप्ट कांस्टेंट तो टेम्परेचर जो है वो हमें कांस्टेंट ही रखना है वेरिएशन नहीं करने हैं तो यहां पर दोस्तों ये सारे मेथड्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं ये सारे के सारे मेथड्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को मेजर करने के लिए तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू सो मच